एटम्परेटर क्या होता है? बेसिकली जो एटम्परेटर होता है वो एक इस्ट एक हीट एक्सचेंजर होता है जिसमें सुपर हीटेड स्टीम को कंट्रोल या फिर ठंडा किया जाता है। इसे डी सुपर हीटर भी कहते हैं। ये दो तरह से काम करते हैं। पहला होता है डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर। डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर क्या कहता है? इसमें फीट वाटर को सुपर हीटेड स्टीम के ऊपर डायरेक्ट वाटर का स्प्रे किया जाता है इसमें, ठीक है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर। इसमें ये जो सरफेस टाइप हीट एक्सचेंजर होता है इसमें स्टीम जो होता है वो फ्लो होता है कॉइल के अंदर और फीड वाटर का जो फ्लो होता है वो सेल में होता है। ये अटेम्परेटर कहाँ लगा होता है? देखिए, ये स्टीम और वाटर का एक सर्किट है। इसमें इसकी जो पोजीशन होती है ये है कन्वेक्शन सुपर हीटर और ये है रेडियंस सुपर हीटर। इन दोनों के बीच ये अटेम्परेटर लगा हुआ है और इसकी जो मटेरियल कंस्ट्रक्शन होती है उसका होता है SA106GRB या फिर SA335 पीटर। इस केस में क्या होता है, जो फीड वाटर है जो बॉयलर फीड पंप से कॉमन हेडर के थ्रू जो आ रहा है वो डायरेक्ट स्प्रे कर रहा है, जो यहाँ से ऐसे फीड वाटर लाइन के थ्रू ये डायरेक्ट TCV से होकर ये टेम्परेटर के में सीधा इस नोजल के थ्रू ये स्प्रे हो रहा है। कन्वेक्शन सुपर हीटर से जो आने वाली स्टीम है, यहाँ से कन्वेक्शन सुपर हीटर से जो स्टीम जा रही है उस स्टीम के ऊपर ये नोजल के थ्रू स्प्रे वाटर का स्प्रे करता है, जिससे क्या होगा, जो जो जिससे क्या होता है, जो यहाँ से जो स्टीम जा रही है उसका जो टेम्परेचर है उसको वो कम कर देता है। फिर वो स्टीम कम होने के बाद वो रेडियन सुपर हीटर या रेडियन सुपर हीटर यहाँ से ये इसमें चला जाता है। यदि रेडियन सुपर हीटर में टेम्परेचर है, यदि आउटलेट में टेम्परेचर अधिक अधिक है, बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर, तो क्या करेगा, जो ये जो कंट्रोल वाल है वो अलाउ करेगा ज़्यादा स्प्रे करने के लिए। कंट्रोल वाल ज़्यादा ओपन होगा और यहाँ से ज़्यादा वाटर का स्प्रे होगा इस नोजल के थ्रू। इससे क्या होगा, ये टेम्परेचर और कम हो जाएगा और टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा। इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर कंट्रोल वॉल का ये ऑटो मोड में रखा जाता है ताकि जो स्प्रे वाटर की जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो जो स्प्रे वाटर जितना चाहिए उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। स्प्रे टाइप टेम्परेचर के अंदर एक स्प्रे टाइप फिक्स नोजल्स लगे होते हैं जो SS मटेरियल का बना होता है। जो सुपर हीटेड स्टीम हेडर के अंदर ये लगा होता है और एक पाइप से कनेक्ट रहता है। इस पाइप में एक फीड वाटर लाइन कनेक्ट होता है। इसमें ये जो नोजल्स जो होते हैं उसकी जो होल की डायमीटर होती है वो है 3 से 6 mm की होती है और इस नोजल को कवर किया जाता है एक प्रोटेक्टिव मेटालिक जैकेट से जो एक हेडर वॉल में प्रोवाइड किया जाता है। ये मेटालिक जैकेट और हेडर के बीच, ये मेटालिक जैकेट और हेडर के बीच जो गैप होता है वो 6 से 10 mm का गैप होता है और इस जो मेटालिक जैकेट की जो लंबाई होती है वो 4 से 5 मीटर की होती है। इसमें ये जैकेट हेडर वॉल और जो स्प्रे वाटर है, यहाँ से जो स्प्रे हो रहा है उस वाटर वो जो स्प्रे वाटर है उसके बीच जो है
कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, तो इसी डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड करने के लिए ये जैकेट को इसमें लगाया जाता है। जब फीड वाटर इस नोजल के थ्रू स्प्रे होता है स्टीम के ऊपर, तो ये स्प्रे वाटर इवोपरेट हो जाता है पूरी तरह से इस जैकेट के अंदर आते आते। और जो हॉट स्टीम हेडर इस वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता और थर्मल शॉक होने से बच जाता है। कई बार क्या होता है कि स्टीम की प्योरिटी इम्पोर्टेंट होती है, तो इस कंडीशन में फीड वाटर को डायरेक्ट स्प्रे नहीं करते, ये स्टीम के बीच मिक्स हो सकता है और चांसेस बन सकता है स्टीम कॉन्टेमिनेशन की। तो इस केस में जो डायरेक्ट फीड वाटर स्प्रे के बदले जो सेचुरेटेड स्टीम जो बॉयलर के कंडेंसेड वाटर होता है उसे यूज़ करते हैं, और ये स्टीम की जो कॉन्टेमिनेशन को ये कम कर देता है।